जैन दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी के जूनियर असिस्टेंट 2019 की भर्ती के बारे में। तो आप सभी को पता है कि जो आपकी परीक्षा करवाई जानी थी 24/12/2019 को करवाई जानी थी, लेकिन अभी किन्हीं कारणों से जो आपकी परीक्षा है उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। जी हाँ, इसका ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया गया है जो यूपी ट्रिपल एससी की वेबसाइट पर। आप सभी को जो नई परीक्षा की तिथि है उसके बारे में भी जानकारी दे दी गई है कि कब से आपके एडमिट कार्ड होंगे, वो डाउनलोड होंगे, और जो आपका जो परीक्षा होगी वो किस तिथि को करवाई जाएगी। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए होने वाली है। तो वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप ना करें, पूरी जानकारी पाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आप सभी को पूरी जानकारी यहाँ पे देते हैं। इस नोटिस में आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन द्वारा ऑफिशियल जो नोटिस जारी किया गया उसके बारे में मैं यहाँ पे आप सभी को अपडेट देने वाला हूँ। तो यहाँ पे इसकी संख्या दी गई है और दिनांक जो बताई गई है 22/12/2019 बताई गई है। आवश्यक सूचना यानी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए होने वाली है। तो यहाँ पे बताया गया है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन के आयोग विज्ञापन संख्या 4/2019 द्वारा कनिष्ठ सहायक प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 के अंतर्गत विज्ञापित विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक रिक्त पदों पर 14/3 पदों पर भर्ती हेतु लिखित परीक्षा आयोजित किए जाने के संबंधी आयोग की सूचना संख्या ये बताई गई है। दिनांक 2/12/2019 एवं तदनुक्रम में प्रश्नगत परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए जाने संबंधी आयोग की सूचना संख्या ये दिनांक 19/12/2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। यहाँ पर आप सभी को बताया गया आयोग की उक्त सूचना दिनांक 2/12/2019 एवं दिनांक 19/12/2019 के क्रम में आयोग के विज्ञापन संख्या 4/2019 कनिष्ठ सहायक प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कनिष्ठ सहायक के पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 24/12/2019 मंगलवार को आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। यानी यहाँ पर आप सभी देखेंगे कि 24/12/2019 मंगलवार को जो आपकी परीक्षा होनी थी, जिसके कि प्रवेश पत्र डाउनलोड हो चुके हैं, एडमिट कार्ड, सारी चीज़ें आप सभी को पता चल गई हैं कि आपका जो परीक्षा है कहाँ पे होने वाली है। और इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि आपकी जो लिखित परीक्षा है उसे यहाँ पे पोस्टपोन कर दिया गया है। अभी आपकी जो लिखित परीक्षा होगी 24/12/2019 को नहीं करवाई जाएगी। तो इसकी एक नई तिथि जारी की गई है और आपके जो एडमिट कार्ड होंगे न्यू होंगे या ओल्ड उन्हीं से काम होगा, वो सारी जानकारी भी आगे दी गई है। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता देता हूँ, दिनांक 24/12/2019 को स्थगित कनिष्ठ सहायक प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 की लिखित परीक्षा 4/1/2020 शनिवार को आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। यानी जो आपकी अगली डेट है जिसको आपकी परीक्षा करवाई जाएगी वो भी अभी साथ ही साथ अनाउंस कर दी गई है, और 4/1/2020 को जो आपकी होगी परीक्षा करवाई जाएगी। प्रश्नगत परीक्षा पूर्व की भांति दिनांक 4/1/2020 को दो पालियों में 10:30 से 11:30 बजे तक तथा 3:30 से 4:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। उक्त परीक्षा से संबंधित परीक्षा केंद्रों एवं प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाने के संबंधित पुनरिचित तिथि से अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट के माध्यम से यथासमय सूचित किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि आपके लिए जो नोटिस होगा वो भी अपलोड कर दिया जाएगा और आप सभी को बता दिया जाएगा कि आपके एडमिट कार्ड जो होंगे कब से डाउनलोड होंगे और आपके जो सेंटर वगैरह होंगे वो सारी जो डिटेल होंगी अब आने वाले एडमिट कार्ड में आपकी दी जाएंगी, और तभी आपको बताया जाएगा कि कहाँ पर आपकी परीक्षा करवाई जाएगी। और यहाँ पर देखेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लखनऊ द्वारा इसे जारी किया गया है। तो इसके बाद ये चीज़ कन्फर्म हो जाती है कि आपकी जो परीक्षा है पोस्टपोन कर दी गई है। हालांकि इसकी जो जानकारी थी हमें पहले से ही मिल गई थी, लेकिन सुबह रीज़न ये था कि नेट ना होने के कारण ये जानकारी आप सभी तक नहीं दे पाए, आप सभी को नहीं बता पाए कि आपकी परीक्षा है जो पोस्टपोन हो गई है, क्योंकि जो इंटरनल सोर्सेज हैं उनसे ही कंफर्म हो गया था कि आपकी परीक्षा पोस्टपोन हो जाएगी। तो इसके बाद निश्चित तौर पे ये क्लियर हो गया कि आपकी परीक्षा पोस्टपोन हो चुकी है। तो इसी के अकॉर्डिंग अपने प्रिपेयर करें, तैयारी रखें, एकदम प्रिपेयर रहें इस चीज़ के लिए। तो उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आगे से यूपी ट्रिपल एससी से जुड़ी हर एक भर्ती की जानकारी आपको हमारे चैनल पर रेगुलर मिलती रहेगी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। इस नोटिस में आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन द्वारा ऑफिशियल जो नोटिस जारी किया गया उसके बारे में मैं यहाँ पे आप सभी को अपडेट देने वाला हूँ। तो यहाँ पे इसकी संख्या दी गई है और दिनांक जो बताई गई है 22/12/2019 बताई गई है। आवश्यक सूचना यानी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए होने वाली है। तो यहाँ पे बताया गया है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन के आयोग विज्ञापन संख्या 4/2019 द्वारा कनिष्ठ सहायक प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 के अंतर्गत विज्ञापित विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक रिक्त पदों पर 14/3 पदों पर भर्ती हेतु लिखित परीक्षा आयोजित किए जाने के संबंधी
आयोग की सूचना संख्या ये बताई गई है, दिनांक 2/12/2019 एवं तदनुक्रम में प्रश्नगत परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए जाने संबंधी आयोग की सूचना संख्या ये दिनांक 19/12/2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। यहाँ पे आप सभी को बताया गया आयोग की उक्त सूचना दिनांक 2/12/2019 एवं दिनांक 19/12/2019 के क्रम में आयोग के विज्ञापन संख्या 4/2019 कनिष्ठ सहायक प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कनिष्ठ सहायक के पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 24/12/2019 मंगलवार को आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। यानी यहाँ पे आप सभी देखेंगे कि 24/12/2019 मंगलवार को जो आपकी परीक्षा होनी थी, जिसके कि प्रवेश पत्र डाउनलोड हो चुके हैं, एडमिट कार्ड, सारी चीज़ें आप सभी को पता चल गई हैं कि आपका जो परीक्षा है कहाँ पे होने वाली है। और इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि आपकी जो लिखित परीक्षा है उसे यहाँ पे पोस्टपोन कर दिया गया है, अभी आपकी जो लिखित परीक्षा होगी 24/12/2019 को नहीं करवाई जाएगी। तो इसकी एक नई तिथि जारी की गई है और आपके जो एडमिट कार्ड होंगे न्यू होंगे या ओल्ड उन्हीं से काम होगा, वो सारी जानकारी भी आगे दी गई है। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता देता हूँ, दिनांक 24/12/2019 को स्थगित कनिष्ठ सहायक प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 की लिखित परीक्षा 4/1/2020 शनिवार को आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है। यानी जो आपकी अगली डेट है जिसको आपकी परीक्षा करवाई जाएगी वो भी अभी साथ ही साथ अनाउंस कर दी गई है और 4/1/2020 को जो आपकी होगी परीक्षा करवाई जाएगी। प्रश्नगत परीक्षा पूर्व की भांति दिनांक 4/1/2020 को दो पालियों में 10:30 से 11:30 बजे तक तथा 3:30 से 4:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। उक्त परीक्षा से संबंधित परीक्षा केंद्रों एवं प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाने के संबंधित पुनरिचित तिथि से अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट के माध्यम से यथासमय सूचित किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता दूं कि आपके लिए जो नोटिस होगा वो भी अपलोड कर दिया जाएगा और आप सभी को बता दिया जाएगा कि आपके एडमिट कार्ड जो होंगे कब से डाउनलोड होंगे और आपके जो सेंटर वगैरह होंगे वो सारी जो डिटेल होंगी अब आने वाले एडमिट कार्ड में आपकी दी जाएंगी और तभी आपको बताया जाएगा कि कहाँ पे आपकी परीक्षा करवाई जाएगी। और यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा लखनऊ द्वारा इसे जारी किया गया है। तो इसके बाद ये चीज़ कन्फर्म हो जाती है कि आपकी जो परीक्षा है पोस्टपोन कर दी गई है। हालांकि इसकी जो जानकारी थी हमें पहले से ही मिल गई थी, लेकिन सुबह रीज़न ये था कि नेट ना होने के कारण ये जानकारी आप सभी तक नहीं दे पाए, आप सभी को नहीं बता पाए कि आपकी परीक्षा है जो पोस्टपोन हो गई है, क्योंकि जो इंटरनल सोर्सेज हैं उनसे ही कंफर्म हो गया था कि आपकी परीक्षा पोस्टपोन हो जाएगी। तो इसके बाद निश्चित तौर पे ये क्लियर हो गया कि आपकी परीक्षा पोस्टपोन हो चुकी है। तो इसी के अकॉर्डिंग अपने प्रिपेयर करें, तैयारी रखें, एकदम प्रिपेयर रहें इस चीज़ के लिए। तो उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए। आगे से UP SSC से जुड़ी हर एक भर्ती की जानकारी आपको हमारे चैनल पर रेगुलर मिलती रहेगी। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। इस नोटिस में आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन द्वारा ऑफिशियल जो नोटिस जारी किया गया उसके बारे में यहाँ पे आप सभी को अपडेट देने वाला हूँ। तो यहाँ पे इसकी संख्या दी गई है और दिनांक जो बताई गई है 22/12/2019 बताई गई है। आवश्यक सूचना यानी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए होने वाली है। तो यहाँ पे बताया गया है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन के आयोग विज्ञापन संख्या 4/2019 द्वारा कनिष्ठ सहायक प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 के अंतर्गत विज्ञापित विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक के रिक्त पदों पर 14/3 पदों पर भर्ती हेतु लिखित परीक्षा आयोजित किए जाने के संबंधी आयोग की सूचना संख्या ये बताई गई है, दिनांक 2/12/2019 एवं तदनुक्रम में प्रश्नगत परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए जाने संबंधी आयोग की सूचना संख्या ये दिनांक 19/12/2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। यहाँ पे आप सभी को बताया गया आयोग की उक्त सूचना दिनांक 2/12/2019 एवं दिनांक 19/12/2019 के क्रम में आयोग के विज्ञापन संख्या 4/2019 कनिष्ठ सहायक प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कनिष्ठ सहायक के पदों पर भर्ती हेतु दिनांक 24/12/2019 मंगलवार को आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है। यानी यहाँ पे आप सभी देखेंगे कि 24/12/2019 मंगलवार को जो आपकी परीक्षा होनी थी, जिसके कि प्रवेश पत्र डाउनलोड हो चुके हैं, एडमिट कार्ड, सारी चीज़ें आप सभी को पता चल गई हैं कि आपका जो परीक्षा है कहाँ पे होने वाली है। और इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि आपकी जो लिखित परीक्षा है उसे यहाँ पे पोस्टपोन कर दिया गया है, अभी आपकी जो लिखित परीक्षा होगी 24/12/2019 को नहीं करवाई जाएगी। तो इसकी एक नई तिथि जारी की गई है और आपके जो एडमिट कार्ड होंगे न्यू होंगे या ओल्ड उन्हीं से काम होगा, वो सारी जानकारी भी आगे दी गई है।
तो यहाँ पे मैं आप सभी को बता देता हूँ, दिनांक 24/12/2019 को स्थगित कनिष्ठ सहायक प्रतियोगात्मक परीक्षा